जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल हिम बस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जनवरी के महीने में HRTC ने अयोध्या धाम के लिए 6 बसें चलाने की घोषणा की थी और अब इनमें से पहली बस हमीरपुर से अयोध्या के लिए शुरू हो गई है। ये रूट कई मायनों में बेहद खास है। एक तो HRTC का ये आगरा, लखनऊ और अयोध्या जाने के लिए पहला बस रूट है, उसी के साथ साथ अब ये HRTC का सबसे लंबा बस रूट भी बन गया है। अवाह देवी से शुरू होकर ये बस हमीरपुर, ऊना, चंडीगढ़, दिल्ली, आनंद विहार, यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ होकर अयोध्या जाने के लिए 1260 किलोमीटर लंबा सफ़र तय करेगी और इसका ट्रैवल टाइम है 27 घंटे। इस बस रूट की लंबाई दिल्ली लेह रूट से करीब 250 किलोमीटर ज़्यादा है। तो दोस्तों, चलिए निकलते हैं अपने इस पहले दिन के सफ़र पर और देखते हैं बस में लगातार 27 घंटों का हमारा ये सफ़र कैसा रहा। आज दिन है 7 मार्च और हम हैं हमीरपुर बस स्टैंड में। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। हमीरपुर से अयोध्या जाने वाली बस का उद्घाटन पिछले कल यानी 6 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किया गया था। इस रूट की पहली बस वैसे आज जानी थी, पर पिछले कल भी 2-3 पैसेंजर्स हो गए थे, तो इनॉग्रेशन के बाद बस को दोपहर 2 बजे अयोध्या भेज दिया गया। आज बस अपने टाइम पर यानी 7:30 बजे ही यहाँ से जाएगी। सुबह सुबह यहाँ बस स्टैंड में गायत्री मंत्र बज रहा है और धीरे धीरे यात्रियों की भीड़ भी बढ़ रही है। फिर ये प्रागपुर शिमला सुपरफास्ट बस आकर काउंटर पर लग गई। इस बस की वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर स्क्रीन पर है। इसके साथ ये धनेटा होकर चंडीगढ़ जाने वाली बस भी लगी है। ये दिल्ली से हमीरपुर वॉल्वो भी 7:45 बजे यहाँ पर पहुँच गई है। दिल्ली से हमीरपुर के लिए 4 वॉल्वो बसेस अवेलेबल हैं, जिनमें से 1 डे सर्विस हैं और बाकी 3 नाइट सर्विसेज हैं। यहाँ पैसेंजर्स ड्रॉप करके फिर बस आगे NIT हमीरपुर तक जाएगी। शिमला, चंडीगढ़ और मंडी जाने वाली बसेस भी अपने अपने रूट्स पर निकल गईं। सात बज गए हैं और अब अपनी बस भी यहाँ पर आने ही वाली होगी। ये है हमीरपुर का ISPT जो शहर के बीचों बीच बना है और जितनी बसेज यहाँ से दिन भर चलती हैं उसके हिसाब से ये काफ़ी छोटा है। बस स्टैंड के पीछे ये हमीरपुर का ग्राउंड और मार्केट है। यहाँ बस स्टैंड में कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है तो जगह और कम हो गई है। पीछे यहाँ वेटिंग एरिया और बुकिंग काउंटर्स हैं। अयोध्या जाने वाली बस का रूट बोर्ड तो यहाँ पर रखा है, पर बस अभी तक यहाँ पर नहीं आई। इसके बाद फिर फाइनली 7:15 बजे बस यहाँ पर पहुँची। बस का रूट तो वैसे अवाह देवी से है, पर वहाँ से अलग लोकल बस आती है और यहाँ से नई बस अयोध्या जाती है। फिर बस काउंटर पर लग गई और इस पर रूट बोर्ड भी लगा दिया गया। इस बस के स्केड्यूल की बात करें तो सुबह 6:10 पर अवाह देवी और 7:30 बजे हमीरपुर से चलकर ये बस रात 8 बजे दिल्ली आनंद विहार से निकलेगी और सुबह 6 बजे लखनऊ और 9 बजे तक अयोध्या पहुंच जाएगी। इस तरह बस का टोटल रन 27 घंटों का होगा। वापसी में ये बस सुबह 8 बजे अयोध्या से चलकर अगली सुबह 8 बजे हमीरपुर पहुँचेगी यानी 24 घंटों में। वापसी में ये बस दिल्ली आनंद विहार बस स्टैंड नहीं जाती, इसीलिए उसका ट्रैवल टाइम कम हो जाता है।
अब चलते हैं बस के अंदर और अपनी सीट लेते हैं। आज तो 27 घंटे लगातार एक ही बस में बैठकर जाना है। 7:30 बजे फिर ड्राइवर साहब आ गए और बस यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। और बस स्टैंड से निकलते ही बस ने खूब स्पीड पकड़ ली है। सफ़र लंबा है और पता नहीं आगे कहाँ टाइम लग जाए, तो तेज़ चलना ही पड़ेगा। ये हैं हमारी बस के चालक और ये HRTC का पहला ऐसा रूट है जिसमें बस में दो ड्राइवर साथ में जाया करेंगे। दूसरे ड्राइवर अभी आगे जाकर बैठेंगे और ये बस के परिचालक हैं। अब हम तेज़ी से भोटा की ओर बढ़ रहे हैं। बीच में ये दिल्ली संधोल और दिल्ली पालमपुर जैसी कई बसेस मिलती हैं। बीस पच्चीस मिनट में फिर हम पहुंच गए भोटा और यहां से राइट में ऊना की ओर मुड़ेंगे। हमीरपुर से अब काफ़ी बसेस सामने वाया घुमारवी भगेड़ होते हुए भी चंडीगढ़ या दिल्ली की तरफ जाती हैं, जिसमें काफ़ी समय बचता है। पर कुछ रूट्स वाया ऊना भी चलाए जा रहे हैं। ये बस रूट भी सुबह चलने वाली अवा देवी दिल्ली बस का ही एक्सटेंशन है, तो दिल्ली तक इसके रूट और टाइमिंग्स में कोई बदलाव नहीं है। यहाँ भोटा में ये हमीरपुर बद्दी बस भी खड़ी है। हमारी बस में ज़्यादा सवारियां तो नहीं हैं और इनमें से मैक्सिमम लोग चंडीगढ़ तक जाने वाले ही हैं। अभी इस बस की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई है, तो आप दिल्ली के अलावा लखनऊ या अयोध्या की टिकट्स भी ऑनलाइन माध्यम से ले सकते हैं। फिर 7:55 पर हमारी बस भोटा से आगे निकल गई। भोटा के बाद फिर जंगल से होकर हम नीचे शुक्रखड पहुंच गए और अब सलोनी की ओर बढ़ रहे हैं। दस पर हमारी बस पहुंच गई सलोनी।
सलोनी के बाद फिर जल्दी ही आ गया मेहरे। बस 50 मिनट में हम हमीरपुर से मेहरे तक पहुंच गए। यहां बस 2-4 मिनट के लिए रुकी। दिल्ली 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 अरे दिल्ली अयोध्या मेहरे से थोड़ा ही आगे चलकर आता है बड़सर, और यहाँ से लेफ्ट में ये रोड शाहतलाई और दियोटसित के लिए जाता है। बड़सर के बाद फिर थोड़ी चढ़ाई चढ़कर हम इस तरफ आ गए। यहाँ से सामने गोबिंद सागर झील का सुंदर व्यू दिखाई देता है, और यहाँ पर कई सारे व्यू पॉइंट्स भी बनाए गए हैं जहाँ रुककर आप झील की सुंदरता को निहार सकते हैं। हमीरपुर से भोटा तक हम NH-103 पर थे, और भोटा से आगे लठियानी तक हम NH-503A पर जाएंगे। ये NH भोटा से शुरू होकर आगे पंजाब में अमृतसर तक जाता है। इस ऊना भोटा हाईवे पर पहले भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता था, पर अब कीरतपुर मंडी 4 लेन खुलने से तो और भी कम हो गया है। हमीरपुर और भोटा साइड से चंडीगढ़ को जाने वाले लोग अब वाया घुमारवीं होते हुए सीधा कीरतपुर ही निकलते हैं। इसके बाद फिर 8:50 पर हम पहुंच गए लठियानी। मुझे लगा था कि बस यहां पर चाय पानी के लिए रुकेगी, पर अभी तो लग रहा है कि बस ऊना से पहले नहीं रुकने वाली। लठियाणी के बाद फिर हम पहुंच गए बंगाना। इस तरफ सड़कें भी प्लेन हैं, तो बस तेज़ी से भाग रही है। पर हम पहुंच गए थाना कला, और इस तरफ ये ऊना डिपो की बस भाखड़ा डैम होते हुए नंगल की तरफ जा रही है। थाना कला के बाद फिर ये तीखे हेयरपिन बेंड्स आते हैं, और अब इसके बाद जल्दी ही हम ऊना पहुंच जाएंगे।
और ये सामने है ऊना अंब रेलवे लाइन। नौ बजकर 35 मिनट पर हम पहुंच गए ऊना और अब ऊना बस स्टैंड जाएंगे। सुबह के टाइम हमीरपुर से ऊना बस 2 घंटे में पहुंचना ही काफ़ी बड़ी बात है। ये आ गया ऊना का बस स्टैंड और यहाँ बस सबसे पहले डीजल डलवाने जाएगी। और यहाँ पर डीजल डलवाने के लिए 5 बसेज लाइन में लगी हैं और हमारी बस इनके पीछे खड़ी हो गई। यहाँ पर हमारी बस का नंबर आते आते 10 बज गए, यानी इतना तेज आए और यहाँ पर 20 मिनट वेट करना पड़ गया। ऊना से हमारी बस के चलने का समय 10:15 का है। 10 बजे ये पालमपुर दिल्ली बस निकली और फिर हमारी बस काउंटर पर लगी। साथ में सोलन की 44 शिमला बस भी लगी है। अयोध्या को लगी इस पहली बस को देखने के लिए स्टाफ सहित लोगों में काफी उत्साह है। फिर ठीक 10:15 हमारी बस ऊना से आगे के सफर पर निकल पड़ी। बस में सवारियां तो कम ही हैं। ऊना के बाद बस ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। मेहतपुर से आगे नंगल वाला स्ट्रेच अब ठीक हो गया है तो बिना जाम के सीधे ही निकल जाते हैं, वरना 2-3 साल तो नंगल के फ्लाईओवर्स ने बहुत परेशान किया है। और ये है नंगल का नया फ्लाईओवर ब्रिज जो कि अब बनकर तैयार हो गया है और इसकी वजह से यहाँ पर जाम से भी मुक्ति मिली है। वो सामने नंगल डैम व पुराना रोड ब्रिज है और नीचे से ये दिल्ली अंब अंदौरा वंदे भारत भी गुजर रही है। ग्यारह बजे फिर हम पहुंच गए आनंदपुर साहिब। आप ऊना से बस की ऑनलाइन बुकिंग करके भी यहां आनंदपुर या कीरतपुर से इसे बोर्ड कर सकते हैं। चौवाड़ी शिमला हो या दौलतपुर शिमला, सबको पीछे छोड़ते हुए हमारी बस तेज़ी से आगे बढ़ गई। ड्राइवर साहब तो लग रहा कि 2 घंटों में आज चंडीगढ़ पहुंचा देंगे।
11:10 पर फिर हम कीरतपुर से आगे निकले। वैसे अब भूख भी लगने लगी है और शायद यहीं किसी ढाबे पर हमारा ब्रेकफास्ट हाल्ट भी होगा। फिर थोड़ा आगे निकलकर पता चला कि हमारे वाला ढाबा तो पीछे ही रह गया। एक्चुअली हमारे ड्राइवर साहब नादौन चंडीगढ़ सुपरफास्ट रूट पर चलते हैं जिसका कोई फूड ब्रेक नहीं है, तो उन्हें ढाबे की जानकारी नहीं थी। ढाबा करीब 1 किलोमीटर पीछे है, तो यहाँ से हमें यू टर्न लेना पड़ा। और ये हैं दूसरे ड्राइवर ओंकार जी, जो बारीकी से ढाबा ढूंढ रहे हैं ताकि दोबारा मिस ना हो जाए। तो फाइनली 11:30 रोपड़ के पास इस दुर्गा हाईवे ढाबा पर हमारी बस ब्रेकफास्ट के लिए रुक गई। बस में ज़्यादा सवारियां तो नहीं हैं, इसलिए यहां खाने वाले भी हम 4-5 ही लोग हैं। यहाँ पर फिर हमने दही और परांठे के साथ ब्रेकफास्ट कर लिया। एक परांठा यहाँ पर 100 रुपये का है। यहाँ पर चाय नाश्ता करने के बाद फिर हमारी बस आगे चलने लगी। यहाँ पर करीब 20 मिनट का ब्रेक था। ये जोगिंदर नगर दिल्ली और दिल्ली जोगिंदर नगर हिमधारा बसेस भी यहाँ पर आकर रुक गई हैं। इसके बाद फिर हम पहुंचे रूपनगर और यहां पर कुछ लोग बस के स्वागत के लिए खड़े थे। ये रूपनगर में रह रहे हिमाचल के लोगों की एक संस्था है, जिन्होंने हिमाचल से अयोध्या के लिए शुरू हुई बस का यहाँ पर स्वागत किया और सभी यात्रियों को मिठाई खिलाई। यहाँ पर हमने रूपनगर में स्वागत किया और हमें बहुत खुशी हुई कि अयोध्या जाने के लिए जो वो स्पेशल बस हिमाचल HRTC की तरफ से लगाई गई है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। तो यहाँ पर इस छोटे से कार्यक्रम के बाद हमारी बस आगे चंडीगढ़ की तरफ निकल गई। ये बस सेवा हमीरपुर ऊना के साथ साथ पंजाब के रूपनगर ज़िला के लोगों को भी सीधा फायदा देगी, वरना इससे पहले लखनऊ या अयोध्या के लिए कोई भी बस सर्विस नहीं थी। करीब 1 बजे फिर हम पहुंच गए चंडीगढ़ सेक्टर 43। यहां बस स्टैंड के बाहर सवारियां उतार कर बस आगे 17 सेक्टर में जाएगी।
और चंडीगढ़ 17 सेक्टर में CTU स्टाफ बस के स्वागत के लिए पहले से तैयार खड़ा था। मतलब ये कहने के लिए कि ये बस बस स्टैंड के अंदर नहीं जा सकती, हमारी बस को आज बस स्टैंड के बाहर से ही जाना पड़ेगा। दरअसल CTU द्वारा भी चंडीगढ़ से अयोध्या के लिए बस चलाई जाती है, जिसका टाइम दोपहर 1:30 बजे का है, लेकिन हमारी बस का टाइम उसके बाद 2:05 का था, फिर भी इन्होंने बस को अंदर नहीं आने दिया। राज्य परिवहन की बसें तो आपसी सहयोग से ही चलती हैं, और CTU को पहले ही दिन ऐसी हरकत से बचना चाहिए था। अगर कोई समस्या होती तो उसका धीरे धीरे निवारण किया जा सकता था। खैर, अब हमारी बस दिल्ली के लिए निकल गई है। चंडीगढ़ के ट्रैफिक से निकलकर जीरकपुर तक पहुंचने में ही काफ़ी समय लग जाता है। अभी इतना शुक्र है कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर खुल गए हैं, वरना पिछले 1 महीने से किसान आंदोलन के चलते मेन रोड बंद रहा, जिसकी वजह से बसेस को पंचकूला साहा के रास्ते से होते हुए दिल्ली जाना पड़ता था। वहाँ से 2 घंटे और एक्स्ट्रा लग जाते थे। यहाँ फिर हम चंडीगढ़ से निकलकर दोबारा पंजाब में आ गए। आगे यहाँ फिर थोड़ा जाम मिल गया, और इन हरियाणा वालों को तो जहाँ जगह मिले वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद फिर हम अंबाला हरियाणा में पहुँच गए। दिल्ली के लिए अब NH 44 के लिए लेफ्ट लेना है। हमारी बस अंबाला कैंट बस स्टैंड के अंदर गई। पहले दिल्ली जाने वाली अधिकतर बसेस बस स्टैंड के बाहर से ही निकल जाती थी, लेकिन अभी सभी बसेस को बस स्टैंड में आकर ही सवारियां उतारना या चढ़ाना कंपलसरी कर दिया गया है। ये जोगिंदर नगर दिल्ली हिमधारा बस भी साथ में यहां पर पहुंच गई है, जो रोपड़ के पास उस ढाबे पर मिली थी। फिर कुछ देर में हमारी बस अंबाला कैंट से आगे चल पाई। पीपली में हमारी बस से कुछ उतरने वाली सवारियां थी, तो बस यहां नीचे से होकर आई, वरना इस हाईवे पर बढ़िया स्पीड बनी हुई थी। थोड़ा और आगे जाकर फिर हमारी बस चाय नाश्ते के लिए रुक गई। चंडीगढ़ से दिल्ली के 250 किलोमीटर के सफ़र में सभी बसेस एक ब्रेक तो लेती ही हैं। यहाँ ये RSRTC मत्स्य नगर डिपो की बस भी खड़ी है। हमने रोपड़ में एक परांठे खा लिए थे, तो यहाँ पर बस एक एक कप चाय पी। इतने में ये HRTC की 3 और बसेज आ गई, जिनमें देहरा की दिल्ली धर्मशाला, नालागढ़ की दिल्ली नालागढ़ और नगरोटा भगवान की जोगिंदर नगर दिल्ली बसेज हैं। बड़ी
और अब इसके आगे ड्राइवर श्री ओंकार सिंह जी ड्राइव करेंगे, तो वो अपने हिसाब से सीट व स्टीयरिंग एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा करीब 15 मिनट का ब्रेक था और अब हम आगे चल पड़े हैं। जल्दी ही हम करनाल पहुंच गए। करनाल हरियाणा का एक बड़ा शहर व ज़िला मुख्यालय है, लेकिन HRTC बसेस यहां बाईपास से ही निकल जाती हैं। चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच 250 किलोमीटर के सफ़र में शायद 5 टोल बैरियर आते हैं। ये घरोंडा और पानीपत टोल बैरियर तो मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जबकि NHAI के नियमों अनुसार 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल बैरियर नहीं हो सकते। इसके बाद फिर हमारी बस पानीपत बस स्टैंड के अंदर भी गई। पानीपत का ये नया बस स्टैंड शहर के बाहर बना दिया गया है, जिसमें आसानी से बसेस आ व जा सकती हैं। दिल्ली में फिर स्वागत हुआ भारी जाम के साथ। यहाँ एक फ्लाईओवर का काम पूरा होता है तो दूसरे का काम शुरू हो जाता है। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल व जम्मू कश्मीर जाने वाला सारा ट्रैफिक इसी रास्ते से होकर जाता है। अभी आने वाले समय में दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे बन जाएगा, तो पॉसिबल है कि इस सड़क का लोड थोड़ा कम हो पाएगा। साढ़े 7 बजे के करीब फिर हम दिल्ली ISBT कश्मीरी गेट पहुंच गए। चंडीगढ़ से यहां तक हमें तकरीबन 6 घंटे लग गए। बस तो सही स्पीड से आई, मगर ट्रैफिक की वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। यहां कश्मीरी गेट में सवारियां उतारने के बाद बस आगे जाएगी आनंद विहार बस स्टैंड, क्योंकि उत्तर प्रदेश जाने वाली बसेज उसी बस स्टैंड से होकर जाती हैं। तो बिना यहाँ देरी किए बस सीधे ISBT आनंद विहार की ओर चल पड़ी। वैसे जो डिपार्टमेंट की तरफ से स्केड्यूल बनाया गया है, उसमें तो आनंद विहार से चलने का समय 7 बजे का रखा गया है, लेकिन अभी वहां पहुंचने में ही 9 बज जाएंगे। आनंद विहार बस स्टैंड जाने वाली ये पहली HRTC बस है, क्योंकि इससे पहले HRTC का कोई रूट उस बस स्टैंड से होकर नहीं चलता, तो रास्ता जानने के लिए GPS और NDTC बसेस का सहारा लेना पड़ा। फिर 9 बजे हम पहुंच गए स्वामी विवेकानंद अंतर्राज्यीय बस अड्डा आनंद विहार दिल्ली। हमारी बस में 3 स्टाफ मेंबर्स हैं, जिनमें 2 ड्राइवर और 1 कंडक्टर हैं, और अयोध्या जाने वाले 2 पैसेंजर्स हैं, जिनमें एक मैं और एक मेरा फ्रेंड है। बाकी अभी यहाँ आनंद विहार से देखते हैं कि सवारियाँ मिलती हैं या नहीं। राइट में ये CTU की अयोध्या जाने वाली बस भी खड़ी है, लेकिन इसका रूट दिल्ली से आगे बरेली व सीतापुर होते हुए है। हमारी बस अब यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए जाएगी। तो यहाँ पार्किंग फीस भरकर हमारी बस अपने काउंटर पर लग गई। ये CTU की बस भी पूरी खाली जा रही है और हमारी बस को भी फिलहाल यहाँ से कोई सवारी नहीं मिली।
9:40 पर फिर ये CTU की बस यहाँ से निकल रही है और हमारी बस भी अभी चलने ही वाली है। मतलब यहाँ पर एक साथ अयोध्या के लिए दो दो बसेस हैं और दोनों ही बसेस खाली जा रही हैं। इसके बाद फिर 9:45 के करीब हमारी बस भी यहाँ से आगे चल पड़ी। अभी हमारी बस यहां से नोएडा परीचौक से होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पर जाएगी। वैसे जितना टाइम यहां आनंद विहार से होकर जाने में लग गया उतने में तो अब तक मथुरा के आसपास पहुंच जाते अगर वाया फरीदाबाद होकर जाते। उस रास्ते से बस को ज़्यादा सवारियां भी मिल सकती हैं। ऐसे खाली बस देखकर तो वैसे ही घबराहट सी होती है। ग्यारह बजे के करीब फिर हम पहुंच गए ग्रेटर नोएडा में परी चौक। हम दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे से यहां तक आए थे और यहां से आगे अब यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे। और इस हाईवे को यूज़ करने के लिए यहाँ पर अच्छा खासा टोल टैक्स भी देना होता है। शाम 6 के आसपास हम दिल्ली में एंटर हो गए थे और ऐसा सोचा था कि डिनर ब्रेक कहीं दिल्ली के बाद आगे चल कर लेंगे, लेकिन यहां तक मौका ही नहीं मिला। तो अभी एक्सप्रेसवे के साथ यहां नीचे को बने एक ढाबे पर हमारी बस डिनर के लिए रुक गई है। यहाँ पर डिनर करने के लिए करीब 15-20 लगे और इसके बाद हम आगे चल पड़े। हालांकि टाइम अभी 1 को है पर रात भर जगे रहना है तो खाना तो चाहिए ही था। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के लिए प्राइवेट बसेस की बहुत भरमार है। अधिकतर बसेस स्लीपर व सेमी स्लीपर हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग उन्हें ही प्रेफर करते हैं। UPSRTC की बसेस तो यहाँ पर बहुत कम ही देखने को मिल रही हैं। और बड़ी बात ये कि दिल्ली से चलने वाली सभी बसेज अपने डेस्टिनेशन के लिए फुल होकर चलती हैं। हमारी बस का एक्सप्रेसवे से चलने का मतलब तभी है अगर हिमाचल या चंडीगढ़ से ही बस अयोध्या के लिए फुल होकर आए, वरना अभी तो ना हम मथुरा जा पाएंगे और ना ही आगरा। आपको शायद याद होगा कि ज्वालाजी से वृंदावन चलने वाली बस को भी पहले इसी यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए चलाया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर उसका रूट वाया फरीदाबाद होकर डाइवर्ट किया और वो बस सक्सेसफुल भी हुई। अब HRTC के किस सर्वेयर ने यहाँ से रूट चलाने की सिफारिश की ये तो वही जाने, लेकिन आई एम श्योर यमुना एक्सप्रेसवे इस बस रूट के लिए घाटे का सौदा साबित होगा। इस यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई 165 किलोमीटर है और ये 6-lane हाईवे है जो कि उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा से शुरू होकर ताज नगरी आगरा तक है। इस एक्सप्रेसवे से होकर मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़ व हाथरस जाने के लिए एग्जिट्स भी बनाए गए हैं। तो ग्रेटर नोएडा से शुरू हुआ ये यमुना एक्सप्रेसवे का सफर जो कि 165 किलोमीटर लंबा था करीब 3 में पूरा हुआ। अभी हम पहुंच गए हैं आगरा और यहां से आगे अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलेंगे। यानी आप सोच सकते हैं कि दिल्ली से आगे लखनऊ तक का 550 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र एक्सप्रेसवे पर ही है,
यहाँ पर बस तो बढ़िया स्पीड से दूरी तय कर लेती है, लेकिन अगर बस में सवारियाँ पूरी हों तब ही फ़ायदा है। मेरा तो यही विचार है कि आगरा तक बस को वाया फरीदाबाद मथुरा से होते हुए आना चाहिए। आगरा से फिर लखनऊ के लिए एक्सप्रेस वे से जाना सही है, क्योंकि आगरा और मथुरा बड़े शहर हैं और यदि यहाँ से हिमाचल की बस कनेक्टिविटी बनेगी तभी रूट सफल रहेगा, वरना रोज़ लखनऊ और अयोध्या की 40 सवारियाँ कहाँ से लाएंगे। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। हालांकि इससे लंबी दूरी के कई एक्सप्रेसवे अभी तैयार हो रहे हैं और आने वाले समय में लोग यूज़ कर सकेंगे। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 300 किलोमीटर है और कानपुर, इटावा और शिकोहाबाद जैसे शहरों के लिए एग्जिट भी बनाए गए हैं। और यहाँ पर ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और इस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जंक्शन पॉइंट है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 296 किलोमीटर है। दिल्ली के बाद के हमारे इस सफ़र में एक्सप्रेसवे शब्द ही बार बार सुनने को आ रहा है, तो चलिए थोड़ा जान लेते हैं कि एक्सप्रेसवे आखिर होता क्या है। हाईवे और एक्सप्रेसवे हालांकि काम तो एक जैसा ही करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का, लेकिन एक्सप्रेसवे बाकी हाईवे से थोड़ा अलग होता है। सबसे बड़ा अंतर है एग्ज़िट कंट्रोल। हाईवेज़ पर जहाँ आप कहीं भी एंटर या एग्ज़िट ले सकते हैं, वहीं एक्सप्रेसवे पर आपको कुछ गिने चुने स्थानों पर ही एग्ज़िट या यू टर्न मिलेगा। यानी एक बार अगर आप हाईवे पर चढ़ गए तो यहाँ वहाँ नहीं मुड़ सकते। एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट भी ज़्यादा रहती है, तेज़ी से आप लंबी दूरी तय कर पाते हैं। हमारे देश में पहला एक्सप्रेसवे मुंबई से पुणे के बीच बनाया गया था, लेकिन अभी देश में बहुत से एक्सप्रेसवेज को बनाने का काम ज़ोरों से चल रहा है। पूरी रात हमारी इन एक्सप्रेसवे पर ही बीत गई और अब उजाला होने लगा है। लखनऊ अभी और आधे घंटे का रास्ता बाकी है। यहाँ फिर टोल बैरियर के पास एक चाय वाला मिला तो सबने एक एक कप चाय पी। और अब सामने ये सनराइज होता भी दिखाई देने लगा है। सुबह सुबह आसमान में छाई ये लाली काफ़ी मनमोहक है। थोड़ा और आगे चलकर फिर हम एक्सप्रेसवे को छोड़कर लखनऊ शहर में आ गए। अभी हमारी बस यहाँ आलमबाग बस स्टैंड में जाएगी। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। इसका इतिहास काफ़ी पुराना है और लखनऊ की पहचान यहाँ का शिष्टाचार, खानपान, कविताओं और संगीत का घर, खूबसूरत बाग बगीचे और ऐतिहासिक इमारतों के रूप में होती है। एक और बात, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। इसके बाद फिर करीब 7:15 बजे हम पहुंच गए ISBT आलमबाग लखनऊ।
तो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से 24 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश। अभी यहां पर UPSRTC आलमबाग डिपो में बस की एंट्री और पार्किंग फीस जमा करवाने के बाद काउंटर टाइम लेना है और उसके बाद बस आगे अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगी। UPSRTC के स्टाफ ने अच्छे से कॉपरेट किया और यहाँ के सिस्टम के बारे में हमारी बस के स्टाफ को गाइड भी किया। लखनऊ का ये आलमबाग बस स्टैंड काफ़ी साफ सुथरा है और वेल मेंटेन्ड है। यहाँ सभी सरकारी बसें जाती हैं और सब अपने अपने टाइम पर अपने डेस्टिनेशंस की ओर निकलती जाती हैं। यहाँ बस स्टैंड में एंट्री करवाकर और पार्किंग फीस जमा करवाने के बाद बस को काउंटर मिल गया। हालांकि यहाँ पर भी अयोध्या जाने के लिए सवारियाँ तो काफ़ी कम हैं, तो लगता है कि बस तो आज खाली ही अयोध्या पहुँचेगी। यहाँ काउंटर पर करीब 15 मिनट हमारी बस रुकी रही और उसके बाद आगे अयोध्या की ओर निकल गई। अयोध्या अभी 150 किलोमीटर दूर है और इसमें करीब 3 घंटे का समय लग जाएगा। और यहाँ HRTC बस लखनऊ में पहुँची देखकर सभी लोग इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। तो लखनऊ से 7:30 बजे हम आगे अयोध्या के लिए निकल गए, लेकिन बस लखनऊ से निकली ही थी कि बस में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। बस की प्रेशर पाइप से कोई नट खुल गया था और वहां से प्रेशर लीक हो रहा था, जिसे ठीक करवाना ज़रूरी था, लेकिन अभी इस बेगाने शहर में क्या किया जाए। हमारी बस यहाँ कैंट एरिया में ख़राब हुई है और यहाँ ये फौजी भाई मिल गए जो भोरंज हमीरपुर से हैं और अपनी HRTC बस यहाँ देखकर काफ़ी हैरान हुए। इनसे यहाँ कुछ देर बातचीत हुई और इन्होंने तो अपने साथियों को भी बुला लिया कि अपने हिमाचल से बस आई है। इसके बाद अब हमें टाटा एजेंसी जाना पड़ेगा ताकि बस रिपेयर करवा सकें, पर उससे पहले बस में डीजल डलवाया गया। ऊना से बस टैंक फुल करवा कर आई थी और अभी अयोध्या तक पहुँचने का डीजल तो इसमें है, लेकिन वापसी में दिल्ली और ऊना पहुँचने के लिए अभी 100 लीटर डीजल इसमें डलवाया गया। वैसे तो बस में दिल्ली में डीजल डलवाने के लिए कहा गया था, पर आनंद विहार के रास्ते से सीधी साइड कोई पेट्रोल पंप ही नहीं मिला, तो अभी आज तो यहाँ पर डीजल डलवा रहे हैं, पर अगली बार बस दिल्ली में ही डीजल डलवा कर आया करेगी। तो अभी हमारी बस धीरे धीरे चल रही है और जो इसमें डीजल की स्मेल और प्रेशर लीकेज का धुआं आ रहा है वो सारा बस में ही भर रहा है। अभी और कोई ऑप्शन भी नहीं है, जैसे तैसे बस में बैठे रहना पड़ेगा। टाटा एजेंसी भी यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर है। जो बस हमीरपुर से उद्घाटन वाले दिन अयोध्या के लिए निकली थी वो बस भी यहाँ लखनऊ के आसपास ख़राब हो गई थी, जिसे ठीक करवाने के लिए भी एजेंसी ले जाना पड़ा था। तो स्टाफ का कहना है कि टाटा की बसेज लगातार इतने लंबे सफ़र की मार नहीं झेल पा रही, इसलिए अब कल हमीरपुर से अशोक लेलैंड की बस को अयोध्या भेजा जाएगा। बस को एजेंसी पहुंचने में काफ़ी वक्त लग गया। अच्छा हुआ लखनऊ से कोई सवारियां नहीं मिली, वरना वो सब परेशान होते। इसके बाद फिर बस एजेंसी में पहुंची और उसे ठीक करवाया गया। फॉल्ट तो छोटा सा ही था, पर टाइम काफ़ी लग गया। तो इसके बाद फिर फाइनली 12 बजे हमारी बस लखनऊ से अयोध्या के लिए चली। यहाँ पर 4 घंटे वेस्ट हो गए,
एजेंसी में सब फ्रेशन अप हो लिए थे और चाय वाय भी पी ली थी, मगर अभी रोटी वाली भूख तो लग रही है। लखनऊ काफ़ी बड़ा शहर है और शहर से बाहर आते आते ही काफ़ी समय लग जाता है। हम तो सुबह 6 बजे के लखनऊ में एंटर हुए थे, पर अभी यहीं घूम रहे हैं। अभी कुछ दिन बस रेगुलर चलेगी तो इसका टाइम टेबल और खाने पीने के स्टॉप फिक्स हो जाएंगे। आगे चलकर फिर हमारी बस खाने के लिए रुक गई और उस ओर से ये अयोध्या हमीरपुर बस भी निकल गई। आज ये बस अयोध्या से 11:25 पर चलकर आई है, लेकिन कल से बस सुबह 8 बजे अयोध्या से निकला करेगी। यहाँ पर ब्रेकफास्ट कम लंच करने के बाद फिर हम आगे चल पड़े। फिर दोपहर 2:30 हमारी बस पहुंच गई अयोध्या कैंट फैजाबाद और ये है शहर का भव्य प्रवेश द्वार। इस शहर का पुराना नाम फैजाबाद था, लेकिन अभी फैजाबाद और अयोध्या को साथ मिला दिया गया है और पूरे शहर का एक ही नाम अयोध्या कर दिया गया है। अयोध्या मेन बस स्टैंड के लिए अभी बाईपास से होते हुए 10-12 किलोमीटर आगे जाना है। अयोध्या श्री राम जन्म स्थान के रूप में सदियों से ही विख्यात है, लेकिन भगवान का मंदिर बनने से अयोध्या नगरी का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। देश विदेश से प्रतिदिन सैकड़ों लोग यहां मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आने वाले समय में तो शहर का पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा। तो फाइनली 3 बजे हम पहुंच गए अयोध्या धाम। ये शहर का मुख्य बाईपास है जहां से राम मंदिर के लिए भी रास्ता जाता है। मंदिर जाने के लिए आप यहां बस से उतर सकते हैं, बस आगे बस स्टैंड में जाकर पार्क हो जाएगी। ए जलेबी तो अपनी 33 घंटों की जर्नी पूरी करके आखिरकार बस अयोध्या बस स्टैंड पहुंच गई। लखनऊ में हमारे 4 घंटे वेस्ट हो गए, वरना हम 11 बजे यहां पर पहुंच जाते। यहां बस स्टैंड में हमारी बस एक साइड में पार्क हो गई। ये है अयोध्या का बस स्टैंड। यहां UPSRTC के अलावा अब बाहरी राज्यों की बसें भी आना शुरू हो गई हैं। श्री राम मंदिर बनने के बाद कई राज्यों जैसे राजस्थान, हरियाणा और चंडीगढ़ ने अयोध्या के लिए नई बसें शुरू कर दी हैं और अब हिमाचल प्रदेश की बस भी यहां पर पहुंच गई है। ये CTU की बस है जो शाम 4:30 अयोध्या से चंडीगढ़ के लिए निकलेगी। तो अभी अयोध्या पहुंचकर करेंगे श्री राम भगवान के दर्शन। मंदिर परिसर में वैसे कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन आपको जल्दी जल्दी एक गाइडेंस दे देते हैं।
यहाँ बस स्टैंड के बाहर ही आपको ई रिक्शा मिल जाएगा, तो आप उसी बाईपास पर आ जाओ जहाँ मंदिर के लिए रास्ता जाता है। आप बस स्टैंड ना जाकर पहले ही बस से उतर सकते हैं, पास में ही आपको कई होटल्स मिल जाएंगे। हमें यहाँ पर 1300 रुपये में रूम मिल गया, जो ठीक ठाक ही था। ऑनलाइन प्राइस तो वैसे काफ़ी ज़्यादा है, तो आप रूम में आकर आराम कर सकते हैं और शाम को अयोध्या भ्रमण पर निकल सकते हैं। और आपको जाना है लता मंगेशकर चौक। लता मंगेशकर चौक से ही आप सरयू घाट जा सकते हैं, वहीं से राम मंदिर और हनुमान गढ़ी के लिए भी रास्ता जाता है। पैदल भी चल सकते हैं, वरना ई रिक्शा तो मिल ही जाते हैं। मुख्य मंदिर से पहले ही आपको अपने फ़ोन जमा करवाने होंगे और उसके बाद ही मंदिर में अंदर जा सकते हैं। भीड़ तो है, लेकिन उतनी धक्का मुक्की वाला काम नहीं होता, आराम से चलकर दर्शन हो जाते हैं। वैसे राम मंदिर का अभी बहुत सा काम पेंडिंग है, मतलब जितना भव्य निर्माण हुआ हमें टीवी या वीडियोज़ में दिखाया गया, उतना अभी तैयार नहीं हुआ है। इसके लिए अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम से प्लान कीजिए और भगवान राम के दर्शनों के लिए अयोध्या ज़रूर आएं। अब तो हिमाचल से सीधी बस सेवा की शुरुआत भी हो चुकी है। इसी के साथ हम अपनी आज की ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको HRTC के इस सबसे लंबे बस रूट का सफ़र अच्छा लगा होगा। और अभी हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए सफ़र पर। धन्यवाद। जय श्री राम।